प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मंगलवार को आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे। यहां कमलनाथ ने विधि विधान के साथ मां बगलामुखी के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों से बैठक में वन टू वन चर्चा की। कमलनाथ ने यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह, मैं आपसे 18 सालों का हिसाब पूछता हूं कि आपने जनता को क्या दिया। आपने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा है। रोज कोई ना कोई मामला आता है। ऐसी व्यवस्था बनाई भ्रष्टाचार की कि पंचायत से लेकर मंत्रालय, घर घर दारू दी, माफिया राज दिया। शिवराज सिंह ने पूरे प्रदेश में अपराध किया, बलात्कार दिया, बाल अपराध दिया। ये 18 साल का इनका हिसाब है। आज इसकी बात नहीं करेंगे, लंबी चौड़ी बात करेंगे। मोदी जी और शिवराज जी कहेंगे कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया और क्या किया। तो मैं कहता हूं, मोदी जी, आप जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल कांग्रेस ने ही बनाया था। मैं शिवराज सिंह से कहता हूं कि आप जिस स्कूल में गए, जिस कॉलेज में आप गए, वो कांग्रेस ने बनाया था। और आप हमसे पूछते हैं, ये तस्वीर आज सबके सामने है। पत्रकार वार्ता के दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को आरएसएस और भाजपा से मुकाबला कितना कारगर होगा वाले सवाल पर कहा कि कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, हमारी अपनी धार्मिक भावना है और हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, उन्होंने ही ठेका ले रखा है मंदिरों का और धर्म का। गुटबाजी पर बोले कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। मैं हर जिले में मौजूद हूं, मेरा सभी साथ दे रहे हैं। गैर गांधी परिवार के कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर किए गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि देश भर के कांग्रेस जन तय करेंगे। उनसे विकल्प के बारे में पूछने पर कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। हम अपने हमारी धार्मिक भावना है, हमारी अपनी धार्मिक भावना है, पर हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, उन्होंने ठेका लिया हुआ है मंदिर का और धर्म का। सर, ये जो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हमेशा कोई गुटबाजी नहीं है। कहां है गुटबाजी बताइए। प्रदेश में भी हुआ, कोई हर कांग्रेस की शैली में नहीं, पर दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में कमलनाथ उपस्थित हैं, ये एक परिवर्तन दिख रहा है। देखिए इसको किस तरह से लिया। मैं मध्य प्रदेश के हर जिले में उपस्थित हूँ। मैं सब मेरा साथ दे रहे हैं। सर, गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होने को आप कांग्रेस के लिए कितना अच्छा मानते हैं? ये पूरा देश भर के कांग्रेस जन तय करेंगे। आपकी नजर में कोई विकल्प मेरे, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी को बनना चाहिए।